हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम लोग आज सीखेंगे कि आर एन एफ़ आई का ई के वाई सी कैसे करना है ठीक है तो बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे फिलहाल कि भाई मुझे ई के वाई सी की प्रोसेस बताइए वो भी लाइव तो आज लाइव बताने वाला हूं और जब न्यू रिटेलर क्रिएट करते हैं आर एन एफ आई के अंदर तो ई के वाई सी करना बहुत जरूरी होता है तभी जाके आप पैसे विड्रॉल कर सकते हो बैलेंस इंक्वारी जो भी सर्विस होता है उसके बाद ही काम करता है ई के वाई सी के बाद ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले रिटेलर आईडी जो होता है मैं इसे लॉगिन करता हूँ आर के अंदर और सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये एक की प्रोसेस कैसे किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे रिटेलर आईडी मेरा पहले से डाला हुआ है मैं सिर्फ लॉग इन करूँगा लॉग इन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा और अगर किसी को रिटेलर आई लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर दे दिया हो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो रिटेलर आई भी ले सकते हो ठीक है तो यहाँ सबसे पहले मैं बताऊँगा ई के वाई की प्रोसेस सबसे पहले ये जरूरी है कि ई के वाई की कैसी प्रोसेस किया जाता है तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आईडी आपकी लॉगिन हो जाए लॉगिन होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रोसेस टू ई के वाई सी ठीक है यहाँ पे प्रोसेस की ऑप्शन मिलता है डी यू ई के वाई सी काउंटिंग एम ए टी एम एम पी एस और सर्विस ठीक है तो कंटिन्यू जैसे ही करते हैं भाई यहाँ पे बैलेंस पे भी अगर क्लिक करते हो यहाँ पे जो भी ए की सर्विस चालू रहता है यहाँ पे तो सबसे पहले अगर बैलेंस पे क्लिक करते हैं तो बैलेंस पे क्लिक करने के बाद भी यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा ई के वाई जब तक नहीं होगा तब तक आपकी कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी तो सबसे पहले यहाँ पर लिख के आ रहा है यू हैव टू कम्प्लीट यू आर ई के वाई सी टू यूज दिस डिवाइस सर्विस सर्विस तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले आधार कार्ड नंबर डाल लेते हैं जो भी आधार कार्ड नंबर होता है ठीक है आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जिस रिटेलर की आईडी से आधार कार्ड उस आईडी से बना है वही आधार कार्ड डालना है जैसे कि अगर आपकी आईडी की किसी और के नाम से बना है और आप किसी और का आधार कार्ड नंबर डाल रहे हैं तो यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा ठीक है तो, तो जिसके नाम से रिटेलर आईडी बनी है उसी का आधार कार्ड नंबर आपको डालना है Osionfish. तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर ले कि आपका आधार कार्ड नंबर सही है या नहीं है तो मेरा आधार कार्ड नंबर सही है उसके बाद जो भी आपके पास मंत्रा मार्को स्टार टैग जो भी आपके पास डिवाइस है उसको सेलेक्ट कर लें जैसे कि पास मेरे पास मंत्रा है फिलहाल मंत्रा पे सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे एक चेक मार्क की ऑप्शन मिलता है यहाँ पे यहाँ पे आप चेक मार्क लगा लें उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करने का एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट पे क्लिक करें जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपसे परमिशन मांगेगा ओके पे क्लिक कर देना है नो रेडी पे लिख रहा है मैं इसे एक बार यूर यहाँ पे ऐसे लगा लेता हूँ और यहाँ पे लगाने के बाद देखो भाई यहाँ ओके okay, मांग रहा है नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है नॉट रेडी लिख के आ रहा है तो एक बार ये आपको इस तरह अगर लिख के आए तो आपको कहाँ जाना है यहाँ पे मंत्र आडी पे क्लिक करना है मंत्रा आडी पे क्लिक करने के बाद अपना जो है सॉरी मंत्रा जो है उसे रेडी कर लेना है यहाँ पर देखिए डिवाइस नॉट कनेक्टेड लिख रहा है क्योंकि ए, ये कनेक्टेड नहीं है तो इसी मैं कनेक्टेड हो गया है अब अब यहाँ से आप यूज कर पाओगे क्योंकि तीनों बटन पर जो है राइट का चिन्ह लग गया है ठीक है तो चलो यहाँ पे मैं इसे कट करता हूँ और चलते हैं आर एन एफ आई के अंदर और यहाँ पे है अब नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे लाइट जल जाएगा मेरा देखिए आर एन एफ आई का लोडिंग स्टार्ट हो गया है यहाँ पे जो है लाइट जल जाएगा मंत्रा का तो ये जो है ना सर्विस आपको एक्चुअली करना ही पड़ेगा तभी जाके आप सर्विस यूज कर पाओगे ठीक है और किसी को रिटेलर आई डी डिस्ट्रीब्यूटर आई डी पार्टनर आई डी जो भी आई डी चाहिए कॉल कर सकते हो एनी टाइम एनी मोर ठीक है तो यहाँ पे ओके मैंने कर दिया नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं फिर से एक बार और यहाँ पे है ओ चल गया है आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यहाँ पे ओ डालना बहुत जरूरी है तभी जाके हो पाएगा तो सबसे पहले ओ डाल लेते हैं तो देखो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है मेरे पास जो भी ओ आई थी मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ डालने के बाद आपको एक्चुअली क्या करना पड़ता है नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ता है यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दो अगर आपके पास ओ नहीं आया तो रिसेंट ओ टी पी क्लिक कर सकते हो मेरा लाइट चल गया है मंत्रा का और मैं यहाँ पर फिंगर लगा चुका हूँ अब यहाँ पर देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये लोडिंग ले रहा है लोडिंग लेने के बाद देखिए भाई यहाँ पे जो है ई के वाई सी कम्प्लीट सक्सेसफुली लिख के आ गया है और इसे मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ जैसे ही ओके करूँगा यहाँ पे जो प्रोसेस का ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे जो शो हो रहा था ई के वाई सी का ये हट चुका है यहाँ से और अब मैं यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करते हैं विड्रॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं मंत्रा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे जो है अपना आधार कार्ड नंबर डालता हूँ और सौ रुपये विड्रॉल करके देखता हूँ ठीक है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ इस मोबाइल नंबर पे बिल्कुल कांटेक्ट ना करें ये मोबाइल नंबर ऐसे फिलहाल चलो मैं यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ ठीक है इस पर कॉन्टैक्ट कर लें जब भी आई डी ओडी लेना कहो ठीक है यहाँ से मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक मैं फिलहाल पे पेमेंट बैंक से विड्रॉल करने वाला हूं भाई पेटीएम पेमेंट बैंक सेलेक्ट कर लिए यहां पे विड्रॉल या कुछ भी लिख सकते हो ओके लिख देते हैं चलो और यहाँ पे है सबमिट पे क्लिक कर देते हैं जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा यहाँ मंत्रा की लाइट जल चुकी है और आगे की प्रोसेस लेके जाएगा ठीक है बैलेंस चेक की प्रोसेस है ये और ये बैलेंस चेक हो जाएगा कितना वॉलेट पे फिलहाल मेरे पैसे हैं तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे वॉलेट में फिलहाल अभी जो है चौंतीस सौ बीस रुपया से पैसा है चलो मैं अब यहाँ से मैं विड्रॉल करके दिखता हूँ ठीक है गोड बैक टू होम पे क्लिक कर दिया अब यहाँ से मैं विड्रॉल करूँगा ठीक है तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है फ़िलहाल लेकिन थोड़ा सा वेट करें भाई सारा कुछ मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे अब यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखिए मैं अपना आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर और अमाउंट सौ रुपया डाल दिया हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक सेलेक्ट कर लिया अब आप, आप क्या करना है सबमिट पे क्लिक करना है जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ फिंगर लगाना है और फिंगर लगाने के बाद जो है मेरा अमाउंट विड्रॉल हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया है और यहाँ पर अमाउंट मेरा देख सकते हो सौ रुपया विड्रॉल हो गया अब जो अमाउंट बचा है यहाँ पे तैंतीस सौ बीस रुपया बचा है ठीक है तो एक्चुअली जो है काम करना स्टार्ट हो गया है जैसे कि ए के वाई सी आप कंप्लीट कर लेते हो ओके फ्रेंड्स आशा करता हूँ इस वीडियो आपको देखने के बाद सारा कुछ प्रोसेस जो है कंप्लीट करना सीख गए हैं और किसी को आईडी भी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के नंबर नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे और डिस्प्ले पर भी शो करता होगा ओके और यहाँ पे ज़ीरो जीरो दिख रहा है मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि सौ रुपया मुझे जो मैंने निकाला वो ऐड हो जाए मैं इसे एक बार फिर से कट कर लेता हूँ ठीक है बैक हो जाता हूँ भाई बैक तो देखो भाई यहाँ पे जो होता है मैं एक्चुअली डर गया था यहाँ पे जो होता है मैन वाले मैन वालेट होता है और ए पी एस वालेट यहाँ पे बटवे पर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलता है तो बटुए पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है मैन वॉलेट प्लस ए पी एस वालेट देखने को मिलेगा ये है ए पी एस वालेट ए पी एस वालेट पर सौ रुपया मेरा आ गया है ठीक है चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना कॉमेंट करना शेयर करना और किसी को आईडी चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर लेना ओके okay? बाय